हेलो गाइस, आई एम सौम्या सोनी एंड यू आर वाचिंग न्यू एरा ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, आपने टॉपिक देख लिया होगा वीडियो का। ये वीडियो मैंने पिछले साल भी बनाई थी, लेकिन इस साल भी बच्चे डिमांड कर रहे हैं तो मैं बना देती हूँ। और पिछले साल से और इस साल में थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट हो ही गया होगा, इसीलिए देख लेते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली बहुत सारे बच्चों को डाउट था, ये डाउट था उनको कि मैम मैं अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करूँ, या फिर बोर्ड और जेई को कैसे मैनेज करें, साथ में कैसे करना चाहिए। तो गाइस, पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा कि मैंने 2015 में बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था और 11th और 12th में मैंने बिल्कुल बोर्ड की किताब को टच करके ही देखा। मीन्स मेरा CBSE बोर्ड था, NCERT मैंने देखी ही नहीं थी 11th 12th तक पूरे तक। जब 12th का लास्ट आया तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि जब प्री बोर्ड हुआ ना, तो मेरे पता कितनी परसेंटेज आए, मेरे आए 60% और आए। मेरे मेंटर सर थे, बोले कि इतना कर लो कि कहीं कहीं से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो कि ताकि तुम पास होने लायक तो नंबर ले आओ अच्छे से, जिससे कि ऐसा हो जाए कि मिनिमम परसेंटेज हो जाए जिससे कि आपको कॉलेज मिल सके। तो मैंने उनसे कहा कि रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब 95 या उससे ऊपर ला कर दिखाऊँगी और मुझे वो लाना है। और मैंने उनसे बोल दिया था और देख लिया कि एक महीने बाद मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था। सिर्फ मेरे पास एक महीना था और उसी में मुझे पूरी प्रिपरेशन करनी थी। और जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट आया तो मेरे 95% आए। वो इसलिए आए क्योंकि पहली बात तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि मुझे ट्रस्ट था कि हाँ मैं ला सकती हूँ, मुझे पता था कि हाँ मैं ला सकती हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से बहुत सारे बच्चों के आते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, ऑब्वियसली मैं कर सकती हूँ। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा स्मार्ट स्टडीज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन आ तो जाएंगे। तो अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपके मन में यही थॉट होना चाहिए, आप ला सकते हो, जरूर ला सकते हो। जिस तरह से मेरे आए हैं, जिस तरह से और लोगों के आए हैं, आ सकते हैं। और बोर्ड कोई ऐसा तो होता नहीं कि आपको डराने वाली चीज़ है कि -1 या +4 का या -2 -3, इस सब का कॉन्सेप्ट कोई है ही नहीं, कोई बिल्कुल भी नहीं। तो आपको करना है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी होती है, उससे पढ़ना है। और साथ में लास्ट के कुछ डेज में मैंने जो काम किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, पूरा बताती हूँ मैं। तो बेसिकली आपको कोई भी बोर्ड हो, लाइक कुछ बच्चों का महाराष्ट्र बोर्ड है, कुछ बच्चों का CBSE बोर्ड है, कोई भी है, तो कुछ कुछ लोगों के बोर्ड एग्जाम मार्च में स्टार्ट होते हैं और लास्ट ऑफ मार्च तक चलते हैं, और उसके जस्ट बाद जेई मेन का आपका एग्जाम आ जाएगा 15 दिन बाद। कुछ बच्चों के अभी ही बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे फेब में और बाद में उनका बोर्ड जेई मेन का एग्जाम आएगा। तो जिनके अभी बोर्ड एग्जाम खत्म होने वाले हैं, मिस फेब में ही होने वाले हैं, तो वो लोग अभी बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करें, जेई मेन को सिर्फ 1 घंटे या 1.5 आवर ही दें, क्योंकि अभी उनके बोर्ड पास में आ गए, उनके पास टाइम बहुत कम है। और जिनका मार्च में आने वाला है उनके पास बोर्ड के लिए ज़्यादा टाइम है, इसीलिए आप क्या करो कि साथ में बोर्ड और जेई मेन को साथ में इक्वल टाइम दो, या फिर आपके कंफर्ट के हिसाब से टाइम दो, आपको क्या लग रहा है उसके हिसाब से टाइम दो, लेकिन दोनों को आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और गाइस, जिनका जल्दी ख़त्म हो जा रहा है ना, उनके लिए ये फ़ायदा होगा ना, आपके बोर्ड एग्जाम ख़त्म, साथ में आपके पास एक महीना बचा है और उस एक महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ जेई मेन की प्रिपरेशन करनी है, तो आप उस एक महीने कर सकते हैं अच्छे से। और जिनका जेई मेन, जिनका बोर्ड बाद में है, वो टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। मैं CBSE बोर्ड से थी तो मुझे टाइम मैनेज करना पड़ा था, जेई मेन प्लस बोर्ड। तो गाइस, कैसे करना है आपको, देखिए, अगर आपका बाद में है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप CBSE बोर्ड से हैं, तो बेसिकली आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी। अब मैथमेटिक्स को बायोलॉजी से रिप्लेस अपने आप कर देना, और दो होते अलग सब्जेक्ट, उसमें या तो हो सकता है इंग्लिश और हिंदी, या ऐसा हो सकता है कि इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस, कोई भी हो सकते हैं लाइक, या फिर इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, कुछ भी हो सकते हैं। तो एक एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री मेरा बहुत वीक सब्जेक्ट था, तब भी केमिस्ट्री की बात इसलिए करें क्योंकि केमिस्ट्री आपको बहुत बोनस देने वाला है अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली CBSE बोर्ड के लिए। वो इसलिए क्योंकि NCERT में जो भी केमिस्ट्री में दिया हुआ है, अगर वो आपने पूरा पढ़ लिया तो बोर्ड में आप 50% से ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसे जेई मेन में आप 50% से ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व कर देंगे बहुत आसानी से। जैसे कि इनऑर्गेनिक में NCERT की जो लाइन लिखी हुई है ना, उन्हीं से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ऑर्गेनिक में जो जो नेम रिएक्शन NCERT में है, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिजिकल में थोड़ा सा आपको अलग से मेहनत करनी पड़ सकती है थोड़ा सा, लेकिन तब भी NCERT काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो
आप बोर्ड में एनसी मतलब केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी को आप जरूर कीजिए, वो आपकी म्यूचुअली हेल्प करेगी, किसमें, जेईई मेन में भी और बोर्ड में, जे बोर्ड में भी, दोनों में हेल्प करेगी। और केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आप कौन सा टाइम आपके लिए सूटेबल होगा, आप क्या कीजिए, एक अपनी थोड़ा सा हैबिट बनाने की कोशिश कीजिए कि आपको जल्दी उठना है और जल्दी सोना है, तो सुबह का टाइम केमिस्ट्री में दो, इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री में आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है, आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। उस केस में आप क्या कीजिए, सुबह कीजिए, क्योंकि सुबह आपको कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और आपकी मेमोरी में चीज़ें ज़्यादा जल्दी जाती हैं, आपको ज़्यादा जल्दी याद होता है, तो सुबह आप केमिस्ट्री पढ़िए और वो केमिस्ट्री आपके बोर्ड प्लस जे में दोनों में हेल्प करेगी। और साथ में आपका जो सेकंड आते हैं फिजिक्स पे, तो फिजिक्स में भी एनसीईआरटी पढ़ने की काफ़ी हद तक ज़रूरत है, क्योंकि कुछ कुछ आपके आ गए डायग्राम वाले क्वेश्चन आ गए, कुछ कुछ डेरिवेशन आ गए जो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए आपको वो आने चाहिए। तो आप फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लेकिन उसमें आपको एचसीवी भी सॉल्व करनी पड़ेगी जेईई मेन के लिए, एचसीवी वर्मा सॉल्व करनी पड़ेगी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ में मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स में बोर्ड और जेईई मेन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, मीन्स बोर्ड ये तो जेईई मेन यहाँ पर, क्यों, इसलिए क्योंकि बोर्ड में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स में, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल आ जाते हैं, लेकिन जेईई मेन में उससे काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं या फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जेईई मेन में भी ऑब्वियसली सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बट डिफरेंस काफ़ी होता है। तो आप जब बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने देखा ही होगा जब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं ना, तो एक ही टाइप के उन्होंने 20-25 क्वेश्चन भर दिए। अब जब किसी बच्चे ने अगर जेईई मेन की प्रिपरेशन की है तो भाई उसे एक टाइप की 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या जरूरत है, उनमें से आप दो या तीन जो सबसे अच्छे क्वेश्चन हो उनको सॉल्व कर लो, आप कोई भी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक ही चीज है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगना है, तो क्यों आपको इतने सारे क्वेश्चन उसी टाइप के सॉल्व करने, बस दो दो तीन दिन चुन चुन के उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। और जब आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो जेईई मेन की तरह नहीं, बस आंसर आया और टिक करना है, स्टेप वाइज स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। और ऐसा भी होता है कि मैथमेटिक्स में जेईई मेन में ला रहे हैं 90 नंबर और बोर्ड में ला रहे हैं 10 या 15 नंबर, इसका एग्जाम्पल है और ऐसा रियल लाइफ में हुआ है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि आपको जो बुक में सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको स्टेप वाइज स्टेप बताते हैं कि पहला स्टेप ये, सेकेंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये, पूरा आपको बताते हैं। और बेसिकली कैसे लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने देखा था कि आप जो कर रहे हैं वो उसमें लिख दो, जो आप सोच रहे हैं वो उसमें लिखो, मींस अगर आप सोच रहे हैं कि आपको आया एरिया अंडर कर्व का आया, तो पहले आप क्या सोचेंगे कि इसका ग्राफ क्या होना चाहिए, तो आप लिखेंगे कि इस इक्वेशन का ग्राफ ये है, सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ ये, इसमें मेंशन भी करेंगे थर्ड का ये है, क्योंकि फिर उनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, निकाल के दिखाएंगे भी उनको एक एक इक्वेशन में, फिर कहेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट, फिर जिससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला उसको वन दे दो, सेकेंड इक्वेशन को ऐसे डैश करके सेकेंड लिख दो, थर्ड इक्वेशन को थर्ड, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 नाउ वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज दिस दिस दिस, ये सब लिखना पड़ता है वहां पर, नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। अब ये शेडेड एरिया हो गया, हमें इसको निकालना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, ये वाला ग्राफ ऊपर है, ये वाला ग्राफ नीचे है, इसको प्लस इसको माइनस, इस तरह से करेंगे। अब यहाँ से पूरे स्टेप, एक एक स्टेप, ये नहीं कि आधा कैलकुलेशन आप अपने मन में ही खा गए, एक एक चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी तब आता है, तो उसको आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सॉल्व एग्जाम्पल करिए, और साथ में आप कोई रेफरेंस बुक या फिर कोई भी कहते हैं गाइड बुक कोई भी ले सकते हैं, जिसमें कि या फिर सैम्पल पेपर जिसमें कि सॉल्व हो, तो आप ये देखेंगे कि आप क्या क्या गलती कर रहे हैं या फिर कौन कौन से स्टेप आप बीच में अपने मन में खा जा रहे हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये प्रैक्टिस ऐसी होती है ना कि अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली एक चैप्टर के बाद, तो ये होगा कि एक दो चैप्टर बाद ऑटोमेटिक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे। तो मैथमेटिक्स की बात होगी, अब आती है इंग्लिश और हिंदी या किसी पे भी, तो इंग्लिश और हिंदी में क्या होती है, स्टोरीज होती है, और स्टोरीज को आप मूवी की तरह जिस तरह देखते हैं या फिर स्टोरी बुक पढ़ते हैं उसी तरह पढ़िए, लोड लेके पढ़ेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो आपको पता है कि जब भी आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री को सबसे मॉर्निंग में पढ़ो और मैथमेटिक्स को रात में पढ़ो, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ के नींद आती है, तो रात में केमिस्ट्री को नहीं पढ़ना चाहिए, रात में आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। अब बच्चा जब आप कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो क्या हो रहा है कि आपको थोड़ा सा गैप चाहिए होता है, कैसे, आप कंटिन्यूस 5-6 घंटे तक नहीं पढ़ सकते, जो बोलता है उससे कहूँगी मैं भाई पढ़ के दिखाओ 5-6 घंटे तक, नहीं पढ़ पाते हैं यार 5-6 घंटे तक, कौन पढ़ता है, और कहीं ना कहीं आपका माइंड इस तरह से वर्क नहीं करता कि कंटिन्यूस 5-6 घंटे तक सारी चीज़ों को आप याद कर सको या फिर आप सीख सको, तो आपको बीच में ब्रेक लेना पड़ता है। तो कभी कभी आप छोटा ब्रेक लोगे, कभी कभी आप बड़ा सा ब्रेक लोगे, जब आप बड़ा ब्रेक लेते हैं 1-1 घंटे का, तो उस केस में क्या करो,
जो स्टोरीज है उनको पढ़ लो, लेटे हुए भी आप स्टोरीज को पढ़ सकते हैं। तो जितनी भी स्टोरी वाला पार्ट है उसको निकाल दो पढ़ के, एक बार दो बार तीन बार एक ही स्टोरी को दो तीन बार पढ़ लो, वो स्टोरी आपके मन में बैठ जाती है कि इस स्टोरी में क्या क्या करेक्टर थे, इन करेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस थी, इसने मेनली क्या रोल प्ले किया, इसने मेनली क्या रोल प्ले किया। जैसे कि एक चंपारण वाला केस था महात्मा गांधी का, तो उसमें क्या क्या किया था, उन्होंने उनका विरोध किया था अंग्रेजों का, तो वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। ही वॉज द ओनली मैन जो ये कर पाया था, जिसने कि डिनाई किया था उनका काम करने के लिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है ना, ये आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। और साथ में हो गया स्टोरी वाली बात, अब आती है उनकी ग्रामर या फिर लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग। तो लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, इनमें क्या होता है कि इनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर फॉर्मेट में होगा। तो सबका आप फॉर्मेट याद कर लो, लेटर का फॉर्मेट देखा, सारे के सारे में वही फॉर्मेट लगना है, सारे के सारे कोई भी लेटर है सब फॉर्मेट एक ही लगना है। फॉर्मेट याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है, याद कर लो उसकी प्रैक्टिस करो। जो कॉन्टेंट होता है, कॉन्टेंट प्रैक्टिस से आएगा। कुछ कुछ अच्छे अच्छे जब आप देखेंगे ना उसमें गाइड बुक में देखेंगे, बहुत सारे लेटर का एग्जाम्पल होते हैं, तो कुछ कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज करते हैं, उन वर्ड्स को ना लिख लो अलग से, उनको याद कर लो। तो एक आप ये कर सकते हैं। और हिंदी में भी इसी तरह फॉर्मेट याद करना है। और जो पैराग्राफ आते हैं अनसीन पैराग्राफ, उनमें क्या करना है, उनमें आप ये ट्रिक होती है कि पहले आप पैराग्राफ मत पढ़ो, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो फिर पैराग्राफ पढ़ो। इसमें ये फायदा होता है कि क्वेश्चन को आपने पहले से पढ़ लिया, तो जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं अनसीन पैराग्राफ, तो जो क्वेश्चन पूछा हुआ होता है ना उस पर ऑटोमेटिक आपका फोकस ज़्यादा आ जाता है। आप ऑलरेडी पढ़ेंगे पूरे पैराग्राफ को, तो आप इस लाइन को भी पढ़ेंगे, इस लाइन को भी पढ़ेंगे, इस लाइन को भी, आपको पता ही नहीं कौन सा लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने क्या किया क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया, तो आपको पता है कि क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी गई थी, तो आप उन पे ऑटोमेटिक ज़्यादा फोकस करेंगे पैराग्राफ को पढ़ते समय, और उनको ऐसे थोड़ा थोड़ा सर्कल करते जाओ, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो आपका टाइम बचेगा। ओके, नाउ गाइस, ये आपकी थी प्रैक्टिस। और जब 5-6 दिन बचे थे तो मैंने क्या किया था, मतलब 25 दिन में मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, 5-6 दिन पहले मैंने ये किया कि आपके पास टॉपर्स की कॉपी अवेलेबल होती है, मीन्स प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स की, लाइक प्रीवियस ईयर्स में किसी के 100 मार्क्स आए हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री में, आप उनकी कॉपीज आप ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप डाउनलोड कर सकते हैं या कहीं से अरेंज कर सकते हैं। कहीं कहीं पर तो क्या होता है कि बुक में भी पीछे कॉपी उनकी लिखी रहती है टॉपर्स की, तो टॉपर्स की कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे स्कूल वालों ने या फिर जहाँ मैं थी वहाँ उन लोगों ने अरेंज करवा दी थी टॉपर्स की कॉपी। तो टॉपर्स की कॉपी जब आप थ्रू आउटली देखते हैं, थ्रू आउट तो आप देखते हैं, तो उनमें आपको ये पता चलता है कि मेरे में और टॉपर में डिफरेंस क्या है, मीन्स क्या वो अलग बात है जो टॉपर ने लिखी हुई है और जो मैं नहीं सोच सकती थी या फिर जो मैं नहीं सोच पाया। तो उनकी कॉपी को आप जरूर ध्यान से देखिए, उनके क्वेश्चन को देखिए, किस तरह से उन्होंने स्टेप लिखे हैं, किस तरह से उन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, किस तरह से उन्होंने सॉल्यूशन को अरेंज किया। लाइक आप जाते हैं तो भाई जाते ही सब पेज में एक मार्जिन खींच लो, इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड दोनों साइड एक लाइन खींच लो, क्यों, ये थोड़ा सा अच्छी दिख जाती है। और आपकी राइटिंग अच्छी हो या गंदी हो, अब राइटिंग को तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन साफ साफ लिखो, गंदी राइटिंग भी अच्छी हो लेकिन साफ साफ लिखो, इस तरह से मत लिखो कि पढ़ने में नहीं आ रहा है, साफ साफ लिखो, थोड़ा हो सके तो बड़ा बड़ा लिख लो, बड़े बड़े में पता क्या फ़ायदा होता है, एक तो साफ साफ दिखता है और जल्दी से क्या होता है पेज बहुत जल्दी भर जाता है, तो लगता है कि आपने बहुत बड़ा आंसर दे दिया, ठीक है, ऐसा भी होता है। मैं काफ़ी बड़ा बड़ा लिखती हूँ इसलिए मेरा राइटिंग जो है साफ साफ हो जाता है। इस तरह से टॉपर की कॉपी को आप अच्छे से देखिए, टॉपर्स क्या करते हैं कि हर एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को वो लिखते हैं, जरूर लिखते हैं, और पॉइंट वाइज लिखते हैं। जब आप किसी का आंसर पॉइंट वाइज देते हो तो क्या होता है कि टीचर को आसानी होती है क्वेश्चन को देखने में, और आपने 5 नंबर का क्वेश्चन था 10 पॉइंट लिख दिए, आपको 5 नंबर से कोई कम दे ही नहीं सकता, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया। अब गाइस ये है कि उससे पहले, अब ये हो गया, जब आपको गैप मिलता है ना बोर्ड में उस टाइम पे क्या करो, तो गैप के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि आप रिवीजन कर सकते हैं, शॉर्ट रिवीजन, जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और साथ में मैंने क्या किया था, बैठ के, जैसे कि मुझे 3 दिन का गैप मिला है, तो मैंने प्रीवियस ईयर्स की, मीन्स अभी 2019 है तो 2018, 2017, 2016, 2015 इनके पेपर मंगाए और देखा, टाइम सेट किया कि मुझे उन्हें 3 घंटे में सॉल्व नहीं करना है, मुझे इन पेपर्स को विद इन 2 आवर्स पूरा सॉल्व करना है। तो टाइम यहाँ से वॉच स्टार्ट की और अपने सामने पेपर ले लिया और अपनी एक नोटबुक ले ली, उसमें मैंने क्वेश्चन को पूरी तरह, ये नहीं कि कुछ कुछ स्टेप को खा लिया, सारे के सारे स्टेप को लिख के पूरी तरह मैंने सॉल्व किया, पूरी तरह सॉल्व किया और कोशिश किया कि 2 घंटे में मेरा पूरा पूरा पेपर होना चाहिए अच्छे से। तो मेरी क्या हुई, स्पीड बढ़ी। तो क्या हुआ कि जब मैं पेपर देने गई तो जो केमिस्ट्री का एग्जाम था मेरा 1.5 आवर से पहले, मतलब 1 आवर एंड 50 मिनट्स में पूरा केमिस्ट्री का पेपर खत्म हो गया था, उसके बाद मैं सो रही थी आराम से, पूरा पेपर हो गया था। और मेरे 70 में 69 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में,
और बस प्रैक्टिकल में उन लोगों ने यार दो नंबर काट लिए थे, इसलिए 97 मार्क्स हो गए टोटल, नहीं तो 99 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में। सबसे कम नंबर आए थे मेरे हिंदी में, क्योंकि हिंदी मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट है, बिकॉज उसमें टीचर के ऊपर डिपेंड करता है भाई, किसी किसी को चाहिए कि भाई ये रस होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना दिमाग का भाई कितना याद कौन करे यार। तो हिंदी मेरा बहुत वीक सब्जेक्ट था, आपकी हिंदी अच्छी है तो आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। अगर हिंदी में मेरे मार्क्स बहुत कम नहीं आते तो मेरी परसेंटेज 97 तक पहुँच जाती है आराम से। इसीलिए गाइस आप करिए और सारे सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए। और टाइम मैनेज की बात हुई तो आप इस तरह से कीजिए कि मैंने बताया कि अगर आपका एग्ज़ाम बोर्ड का जल्दी होने वाला है तो बोर्ड पे भी ज़्यादा फोकस करो, अगर लेट होने वाला है तो आप दोनों को आधा आधा टाइम दो अपना। और साथ में आपके एग्ज़ाम टाइम चल रहे हैं ना, तो एक चीज़ ज़रूर करना कि आप हेल्दी खाना खाना, क्योंकि हेल्दी खाना नहीं खाते हो ना तो वो बहुत पढ़ाई में मन नहीं लगता यार, पेट खराब हो गया, आप बस बैठे हुए हो, कुछ पढ़ नहीं पा रहे हो, तो ये सब चीज़ गलत हो जाएंगे। तो इसलिए हेल्दी खाना खाना चाहिए और लोड नहीं लेना चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए कि हाँ हमसे हो जाएगा। अगर आप डरेंगे तो आपसे कंफर्म नहीं हो पाएगा, डरना नहीं है, अपने मम्मी पापा से बात करो या फिर जो भी आपको अच्छे से मोटिवेट करता है आप उससे बात कर सकते हो, और अपने टाइम को मैनेज करो। और इस टाइम पे प्लीज़ आप थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी यार, बिना मेहनत को तो नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ दो तीन महीने मेहनत करो, ये आपको हमेशा आपको फ़ायदा देगी ये मेहनत। तो प्लीज़ ये दो तीन महीने मेहनत कर लीजिए अच्छे से, और मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। अगर मैंने कोई पॉइंट छोड़ दी हूँ या फिर नहीं बताया हूँ तो आप कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, हेल्प जिस तरह से मैं आपकी कर रही हूँ आप अपने फ्रेंड्स की कर सकते हैं, शेयर करके वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे मोटिवेशनल के साथ साथ पढ़ाई वाली वीडियोस भी आती हैं और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लिया। और गाइस आज के लिए सिर्फ इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग न्यू एरा ऑनलाइन कोचिंग।